सॉफ्ट लैंडिंग के लिए इसरो की तैयारी फुल प्रूफ है। गलती की किसी भी गुंजाइश को खत्म किया गया है। अब आपका सवाल होगा, चंद्रयान 3 अपने साथ कौन से उपकरण लेकर जाएगा? प्रोपेल्शन मॉड्यूल, जिसका वजन 2148 किलोग्राम है। लैंडर, इसका वजन 1726 किलोग्राम है और चंद्रयान 2 के लैंडर से कहीं ज्यादा मजबूत है। वहीं रोवर प्रज्ञान का वजन 26 किलोग्राम है। लैंडर के साथ 4 पेलोड भेजे जाएंगे। लैंडर की ऑन बोर्ड पावर 738 वॉट की है। चंद्रयान 2 के लैंडर की ऑन बोर्ड पावर 650 वॉट की थी। वहीं रोवर की ऑन बोर्ड पावर 50 वॉट की है। ये जब लैंडर लैंड हो जाएगा और बाद में उसको कम्युनिकेट करना है, तो कम्युनिकेट अभी दो तरह से होगा। एक तो हमारा प्रोपल्शन मॉड्यूल है, उससे भी कम्युनिकेट हो सकता है। लैंडर अपने आप पृथ्वी से कम्युनिकेट कर सकता है, और तीसरा वो हमारा ऑर्बिटर है, उससे भी कम्युनिकेशन भी बढ़ गया। 14 जुलाई को चंद्रयान 3 को LVM3 रॉकेट से लॉन्च किया गया। खास बात यह है कि LVM3 रॉकेट चंद्रयान 2 को लॉन्च करने वाले GSLV MK3 M1 का ही अपग्रेडेड वर्जन है। इसरो ने चंद्रयान 3 को लॉन्च करने के लिए LVM3 को ही क्यों चुना? इसे ऐसे समझिए, LVM3 के जरिए चंद्रयान 2 समेत 6 लॉन्च किए गए हैं और हर एक लॉन्च सफल रहा है, मतलब सफलता 100%। मिशन मून के लिए तैयारी पूरी है। इस बार गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए इसरो ने चंद्रयान 3 के लिए 450 से ज्यादा बदलाव किए हैं। जब चंद्रयान 3 अंतरिक्ष में चांद की ऑर्बिट में दाखिल होगा, तभी असली परीक्षा शुरू होगी, जिस पर हर किसी की नजर है। पृथ्वी की कक्षा यानी ऑर्बिट में पहुंचने और फिर पृथ्वी की कक्षा से निकलकर चंद्रमा की कक्षा तक पहुंचने से कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण चंद्रमा की कक्षा में चक्कर काटते हुए ऊपरी ऑर्बिट से निचली ऑर्बिट तक पहुंचना है। इसे ऐसे समझिए, GSLV Mark 3 रॉकेट चंद्रयान को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करेगा। पृथ्वी की ऑर्बिट में पहुंचने के बाद चंद्रयान 3 धीरे धीरे पृथ्वी की कक्षा में दूरी को बढ़ाएगा, ताकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को कम किया जा सके। दूरी बढ़ाने के लिए ऑन बोर्ड रॉकेट का इस्तेमाल होगा। ये रॉकेट चंद्रयान के साथ भेजे जाएंगे और फिर इस तरह चंद्रयान 3 पृथ्वी की कक्षा से निकलकर चंद्रमा की कक्षा में दाखिल होगा। यहाँ प्रक्रिया उल्टी दिशा में चलेगी, मतलब पृथ्वी की कक्षा में चंद्रयान की दूरी को बढ़ाया जाएगा, तो चंद्रमा की कक्षा में पूरी कोशिश दूरी को कम करने पर होगी। चक्कर काटते चंद्रयान 3 जब चंद्रमा की निचली कक्षा में दाखिल हो जाएगा, तो लैंडर को उतारने की तैयारी शुरू होगी, और यहीं से शुरू होगी सबसे बड़ी चुनौती चंद्रमा की कक्षा में 100x100 किलोमीटर, यानी चंद्रमा की निचली कक्षा चांद की सतह से वो दूरी जहां से शुरू होगा चंद्रयान का असली मिशन।